Hello, my dear children and parents. I am Neetu. Welcome to my channel, My Pathshala. जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास फर्स्ट ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कैसे करें इससे संबंधित टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रही हूँ. आज का हमारा टॉपिक है नंबर सेंस के अंतर्गत एबेकस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एबेकस में हम टू डिजिट नंबर्स को काउंटिंग कैसे करते हैं वह हम देखेंगे. सबसे पहले वंस और टेंस क्या होता है यह जानेंगे. वंस सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड वंस. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड वंस. जो भी सिंगल डिजिट के नंबर्स होते हैं वह वंस पोजीशन पर होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे टेंस क्या होता है. अब हम देखेंगे टेंस. टेंस किसे कहते हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आर कॉल्ड टेंस. एग्जाम्पल के द्वारा हम एबेकस में वंस और टेन की पोजीशन को समझेंगे और एबेकस में किस प्रकार काउंटिंग किया जाता है ये देखेंगे. जैसा कि हमें पहले भी पता है वंस में नंबर 0 से 9 तक के नंबर्स वंस कहलाते हैं और 10 से 90 तक के नंबर टेंस कहलाते हैं. तो इसको हम इस प्रकार देखते हैं. वंस पोजीशन पे 1, यह हमारा 1 हो जाएगा नंबर. टेन पोजीशन और वंस पोजीशन पर हमेशा हम ध्यान रखेंगे कितने बिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर होता है. वंस में 1, 2 बिट्स हैं तो ये 2 हो गया. नेक्स्ट टेंस वंस. वंस पे कितने बिट्स हैं 1, 2, 3 तो ये हमारा वंस 3 पोजीशन हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं वंस टेन. 1, 2, 3, 4 वन पोजीशन पे 4 बिट्स हैं तो ये 4 हो गया. फिर वन पोजीशन पे वंस पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 वंस पे हमारे 5 बिट्स हैं तो ये नंबर काउंटिंग 5 कहलाएंगे. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वंस पे 6 बिट्स हैं तो ये काउंटिंग नंबर 6 कहलाएंगे. अब हम देखेंगे वंस पोजीशन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वन पोजीशन पर 7 बिट्स हैं तो ये एबेकस में 7 काउंटिंग होगा. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 बिट्स हो गए. 8 नेक्स्ट हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 बिट्स हो गए. एबेकस फॉर्म में 9 वंस जो हमारा काउंटिंग होगा 9 तक और ये फॉर्मेट इस प्रकार रहेंगे. अब 9 के बाद हम 10 पोजीशन पर देखेंगे. 10 पोजीशंस में हमारा जो है वंस पे कोई भी नंबर नहीं रहेगा. टेंस पे 1 बिट्स रहेंगे. इस प्रकार का जब ये पोजीशन रहेगा तो ये काउंटिंग 10 कहलाएंगे. उसी प्रकार हम 11 की काउंटिंग के लिए 10 और 1 ये हमारा हो गया 1, 1, 11 उसी प्रकार वंस और 10 पोजीशन पे 1, 2 और टेंस के लिए 1 डिजिट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 12 इसी प्रकार हम टेंस के बाद जो है टेंस पोजीशन में हमने देख चुके हैं 11, 12 इसी प्रकार हम वंस पोजीशन पे 3 बिट्स हैं और यहाँ पे 1 बिट्स हैं तो ये हमारा हो गया 10 और ये हो गया 3. 10 + 3 = 13 तो ये हमारा हो जाएगा 13. नेक्स्ट इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 2 बिट्स लिख देते हैं तो काउंटिंग हमें पता है. एबेकस में टेंस पोजीशन पे काउंटिंग होता है 10, 20 तो ये हमारा हो गया 2, 0, 20. नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखेंगे टेन पोजीशन पर
हमारे टू बिट्स हैं और वंस पोजीशन पर वन बिट्स हैं, तो ये हमारा हो गया वन, और टेन पोजीशन पर टू बिट्स हैं तो ये हमारा हो जाएगा टू, तो टू वन 21 ये कहलाएगा, ये हो जाएगा 20+1 इजकल टू 21। अब इसी प्रकार हम किसी भी नंबर्स के नंबर को हम एबेकस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे वंस पे हमारे टू बिट्स हो गए, इसको हम काउंट करने के लिए 1, 2, और टेंथ पोजीशन पे 10, 20, 30, 30 3, ये हमारा हो गया 3 to 32। इसी प्रकार कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हमें पता है वंस पोजीशन पे हमेशा 9 नंबर तक ही आते हैं, 1, 2, 3, 4, और इधर हो गए 10, 20, 30 means 3। नेक्स्ट इसी एग्जांपल्स को हम देखेंगे, 1 पोजीशन पे 1 बिट्स हैं, 10 पोजीशन पर 10, 20, 30, 40, 50, 50 means 5, 0, 50 और +1, 51। ये हमारे हो गए एबेकस फॉर्म में, जो कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे। इसी प्रकार एबेकस में दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हमारे ये नंबर्स दिए रहते हैं और इसको हमें एबेकस फॉर्म में लिखना होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार दो लाइन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंस वंस, वन पोजीशन पे 3 है तो 3 बिट्स बनाएंगे, और 10 पोजीशन पे 5 है तो हम 5 बिट्स बनाएंगे। इस प्रकार ये एबेकस फॉर्म में लिखने को आता है। नेक्स्ट हम दूसरे एग्जांपल में इस प्रकार कर सकते हैं, वंस पोजीशन पे हमारा 7 लिखा हुआ है तो 7 बिट्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 पोजीशन पे 2 है तो 2 बिट्स यहाँ पे बनेंगे। ये 27 को हम एबेकस फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे 62 में भी हमारा 2 जो है 1 पोजीशन पे है तो यहाँ पे हम 2 बिट्स बनाएंगे, 16 पोजीशन पे है तो 6 बिट्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार एबेकस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस एबेकस में आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग एबेकसेस शो द नंबर ऑफ गिवन फ्लावर्स, अर्थात ये फ्लावर्स जो दिए हुए इसको काउंट करके एबेकस फॉर्म में हमें लिखना है। अब काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हमारा क्या है, वंस पोजीशन पर आता है, तो यहाँ पर क्या है, वंस पोजीशन पर कुछ भी नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। वंस पोजीशन पर इसको हम काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये हमारा नहीं हो रहा है। फिर सी ऑप्शन में देखेंगे, 1, 2, 3, ये भी हमारा नहीं है। अब इसमें हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा क्या हो गया, 8, वंस पोजीशन पर 8 हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, विच एबेकस शो 1 more than 56। इसका मतलब ये हुआ, इस एग्जांपल्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 56 नंबर से ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको हम 1 को सॉल्व करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 5, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया 56। सी एग्जांपल्स को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 57। नेक्स्ट देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 47। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पूछा जा रहा है 56 से मोर देन वन नंबर कौन ज़्यादा है, इन चारों में से 56 से कौन ज़्यादा नंबर हो रहा है, तो ये हमारा सी एग्जांपल हो जाएगा, 56 से ज़्यादा क्या हो रहा है, 57।
तो ये हमारा 57 एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग। अब ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 tens 5 ones 43, 3 tens 4 ones 26, 4 tens 3 ones 34। इसको हम मैच करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 tens 6 ones, तो ये क्या हो गया 2 6 26, 3 tens 4 ones means 3 4 34, 4 tens 3 ones यानी 4 3 43। अब इसको हम देख लेंगे कौन किससे मैच हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन 34 34 इससे मैच हो गया। नेक्स्ट हमारा ये पी वाला 2 से मैच हो जा रहा है और आर ऑप्शन जो है 1 से मैच हो जा रहा है। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कि कौन हमारा इसको फॉलो कर रहा है। ए में हमारा क्या हो रहा है, P3। पी हमारा कौन सा हो रहा है, 2 जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ, यहीं पे हम क्रॉस कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी पे पी हमारा ऑप्शन 1 है, पी का ऑप्शन 2 है, ये भी क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट सी में देखेंगे पी हमारा फर्स्ट ऑप्शन 2 है, ये 2 हो रहा है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे क्यू 3 हो रहा है, यहाँ पे क्यू 1 हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हम 4 पे देखेंगे, 4 में देखें पी 2 पे हो रहा है, पी टू सही है, क्यू थ्री सही है, आर वन सही है, तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो गया, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द नंबर ऑन द गिवन एबेकस इज ब्लैंक। अब इसमें हम देखेंगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। पहला है 7 tens 4 ones 7 tens 4 ones, इसको हम देखेंगे टेंस के पोजीशन पे हमारा 7 बिट्स आ रहा है क्या, 1 2 3 4, ये हमारा नहीं हो रहा है। टेंस के पोजीशन पे हमारा 4 बिट्स आ रहे हैं, 4 बिट्स हो सकता है ऑप्शन बी। 6 ones 1s में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया 7 और ये हमारा हो गया 4, तो हमारा हो गया 47। अब इसमें हम देखेंगे 47 ऑप्शन किसका आ रहा है, 4 tens 7 1 ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया।